ललिता, उम्र 36 वर्ष, मानेगांव की रहवासी। वो ब्लीडिंग से पीड़ित थी। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक बायोप्सी रिपोर्ट में उनको कोलन कैंसर होने का पता चला। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 6 कीमो और 29 रेडिएशन लिए, लेकिन उनको फिर से तकलीफ होने लगी। मैं 36 साल की हूँ, मुझे ब्लीडिंग की समस्या होने लगी, इसीलिए हम बायोप्सी के लिए गए। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे कैंसर है। मरीज मेरी छोटी बहन है, उसे ब्लीडिंग की तकलीफ शुरू हो गई। हम उसकी जांच कराने के लिए एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास गए, उसकी जांच की, बायोप्सी हुई, फिर हमें उसको कोलन कैंसर होने का पता चला। फिर ऑपरेशन किया गया, 6 कीमो 29 रेडिएशन लिए गए। 6 महीने बाद सीटी स्कैन से पता चला कि उनकी बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल गई है। उनको दोबारा कीमो और रेडिएशन कराने की सलाह दी गई। साथ ही मुंबई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने आगे इलाज न कराने की सलाह दी। 6 महीने बाद हम दोबारा चेकअप के लिए गए, बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है ऐसा हमें पता चला। इसके बाद उन्होंने दोबारा रेडिएशन की और कीमो की सलाह दी, लेकिन हमने वह नहीं किया। फिर हमने इसे मुंबई के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने हमें बताया कि बीमारी पूरी तरह फैल गई है और अभी इलाज कराने से कोई फायदा नहीं होगा। हम नासिक के अस्पताल में गए, उन्होंने वहां ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 6 महीने बाद दोबारा जांच की गई तो समझ में आ गया कि बीमारी पूरी तरह फैल गई है। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार लेना शुरू कर दिया। इलाज के 2 से 3 महीने के बाद ही उनको फर्क महसूस होने लगा। उनका ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो गया और उनकी सभी तकलीफें कम हो गई। नवंबर के बायोप्सी रिपोर्ट अनुसार उनकी बीमारी 80% ठीक हो गई थी। डॉक्टर माने जी की मुलाकात मेरी बहन ने टीवी पर देख ली। फिर हम वहाँ गए और डॉक्टर से मिले। उन्होंने हमें बताया कि यह बीमारी ठीक हो सकती है। फिर हमने इलाज लेना शुरू किया। 2-3 महीने में ही मुझे फर्क महसूस होने लगा। 6 महीने में 50% तक रिकवरी दिखने को मिली। 3 महीने के अंदर ही हमें काफ़ी फर्क नज़र आने लगा। उसका ब्लीडिंग पूरी तरह बंद हो गया। फिर 6 महीने के बाद डॉक्टर ने हमें सीटी स्कैन करने के लिए कहा। इसमें 50-60% रिकवरी दिखी। हमने नवंबर में दोबारा सीटी स्कैन किया, उसमें पता चला कि बीमारी केवल 20% बची है। डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर विजय कुमार माने जी के पास गए, तब से लेकर अब तक उसका इलाज चल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की बदौलत मेरी बहन अब ठीक है। अगर किसी को ऐसी बीमारी है तो उनको मॉडर्न होम्योपैथी के पास ज़रूर जाना चाहिए, उससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज शुरू किए, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आज जैसे भी हूँ उनकी वजह से हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बीमारी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है। वह अब बिना किसी साइड इफेक्ट के सामान्य और खुशहाल जीवन जी रही है।